खबर जनपद श्रावस्ती से, जहां पर पुलिस को गुरुवार को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस हीरो मोटो कार्प लिमिटेड कंपनी का डीलरशिप दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से लैपटॉप समेत अन्य सामान भी बरामद कर जब्त किया है। बता दें कि इकौना थाना क्षेत्र निवासी संत कुमार कसौधन पुत्र शिव कुमार को कुछ ठगों ने हीरो मोटो कार्प लिमिटेड कंपनी का डीलरशिप दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए हड़प किए थे। पीड़ित की ओर से 11 मार्च को शिकायत पत्र देकर मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार से की गई थी। पीड़ित ने एसपी को जानकारी दी थी कि हीरो मोटो कार्प लिमिटेड कंपनी का डीलरशिप दिलाने का लालच देकर उसके साथ साइबर अपराधियों ने धोखाधड़ी कर 6,87,200 रुपये हड़प कर लिए हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मोर ने साइबर सेल सर्विलांस सेल एसओजी व थाना एकौना की संयुक्त टीम को मामले का अनावरण करने को लगाया था। मामले की बारीकी से जांच करते हुए टीम ने गुरुवार को साइबर गिरोह के दो सदस्यों अशोक सिंह उर्फ महपाल सिंह बोरा पुत्र हरीश सिंह बोरा निवासी कचुला पोस्ट धौला चीनी जिला अल्मोड़ा उत्तराखंड हाल पता निवासी C22 लक्ष्मी अपार्टमेंट जीवन पार्क थाना डाबरी नई दिल्ली व नदीम खान पुत्र शकील अहमद निवासी राजधानी पार्क नगलोई थाना नगलोई नई दिल्ली को लक्ष्मी अपार्टमेंट जीवन पार्क थाना डबरी नई दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 10 अदद मोबाइल एक लैपटॉप एक कैलकुलेटर एक हार्ड डिस्क एक पेन ड्राइव बरामद किया है। साथ ही ठगी कर बैंक खातों में जमा की गई धनराशि को फ्रीज कर दिया गया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मोर ने बताया कि आरोपियों की ओर से हीरो मोटर कार्प लिमिटेड कंपनी का डीलरशिप दिलाने के लिए फर्जी वेबसाइट कंपनी के नाम पर बनाई गई थी। लोग डीलरशिप के लिए वेबसाइट पर आवेदन करते थे, इससे कस्टमर का डेटा आरोपियों को प्राप्त हो जाता था। इसके बाद गिरोह के कुछ सदस्य जो कॉल सेंटर के रूप में काम करने के अनुभवी होते हैं वे कस्टमर डिटेल से हीरो मोटो कार्प लिमिटेड कंपनी का एजेंट बनकर कंपनी की डीलरशिप दिलाने का लालच देकर अपने फर्जी अकाउंट को कंपनी का बताकर कस्टमर से ऑनलाइन पैसा जमा करा लेते हैं। इसके बाद उन पैसों को एटीएम कार्ड के माध्यम से अलग अलग जनपदों के एटीएम से निकालकर आपस में बंटवारा कर लेते थे। गिरफ्तारी टीम में प्रभारी सेल निरीक्षक रामपाल यादव उप निरीक्षक धर्मराज थाना एकौना साइबर सेल आरक्षी रमेश सिंह सर्वलांस सेल आरक्षी अभिषेक कुमार सिंह एसओजी आरक्षी रमाकांत नायक व कुलदीप कुमार गुप्ता आदि लोग शामिल रहे। एसओजी टीम और क्राइम ब्रांच द्वारा ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जो मोटरसाइकिल कंपनी की डीलरशिप दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। क्या है पूरा मामला? जनपद श्रावस्ती की क्राइम ब्रांच व सर्विलांस टीम द्वारा दो साथी अभियुक्तों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है, जिनके द्वारा फर्जी वेबसाइट बनाकर एक मोटरसाइकिल कंपनी की डीलरशिप दिलाने का झांसा देकर ठगी की जाती है। वेबसाइट पर आवेदन करने पर कस्टमर का डेटा और उनका डिटेल प्राप्त कर उनसे ये संपर्क करते हैं तथा अकाउंट में धनराशि ट्रांसफर करा लेते हैं। जनपद के एक व्यक्ति से 6,87,200 रुपये की इनके द्वारा ठगी की गई, जिस पर संज्ञान में आने पर तत्काल अभियुक्त पंजीकृत कराकर गैंग को ट्रेस किया गया है। दो अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई। गिरफ्तार अभियुक्तों से 10 मोबाइल एक लैपटॉप एक कैलकुलेटर एक हार्ड डिस्क व एक पेन ड्राइव बरामद हुई। दोनों अभियुक्तों के दो बैंक अकाउंट से जिनमें विगत दिनों में लगभग 40 लाख रुपयों का ट्रांजैक्शन हुआ है, इन्हें फ्रीज करा दिया गया।